तो दोस्तों आज हम देखेंगे फास्टवे सेटअप बॉक्स के रिमोट को किसी भी एलईडी टीवी या नॉर्मल टीवी के साथ किस तरह से प्रोग्राम करें। ये देखिए दोस्तों, ये है फास्टवे सेटअप बॉक्स का रिमोट। इस रिमोट में जो ये लाल कलर के अंदर जो बटन दिए हुए हैं, ये होते हैं प्रोग्राम करने के लिए। इनका सेटअप बॉक्स में कोई यूज़ नहीं होता है। ये देखिए, तो आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम कैसे करें। तो दोस्तों ये है इस एलईडी का रिमोट, ये इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ये है सेटअप बॉक्स का रिमोट। देखिए अब फिलहाल इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम इन दोनों रिमोट को आपस में प्रोग्राम करेंगे। दोनों रिमोट को लगभग 1 से 2 इंच की दूरी पर रखें। प्रोग्राम करने के लिए हमें सेटअप बॉक्स के रिमोट को लर्निंग मोड पर लाना होगा। इसके लिए हम ओके और 0 के बटन को लगभग 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे कंटिन्यूस, जब तक ये एलईडी 2 बार ग्लो करके कंटिन्यूस जलने ना लगे। ये देखिए अब ये लर्निंग मोड में आ चुका है। प्रोग्राम करने के लिए हमें उस की को 1 बार दबाना है जो हमें प्रोग्राम करनी है। अब टीवी के रिमोट में उस बटन को 2 सेकंड तक दबा के रखें जो आपको सेटअप बॉक्स की उस की से मैच करवानी है। जब आप उसको दबा के रखेंगे तो सेटअप बॉक्स के रिमोट की एलईडी 2 बार ब्लिंक करके फिर से कंटिन्यूस जलने लगेगी। इसका मतलब है कि वो की प्रोग्राम हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से। ये है ऑडियो वीडियो की जिसको हम मैच कराएंगे एलईडी के सोर्स वाले बटन से। वॉल्यूम माइनस को वॉल्यूम माइनस के साथ प्रोग्राम करेंगे। वॉल्यूम प्लस को वॉल्यूम प्लस के साथ प्रोग्राम करेंगे। और पावर बटन को पावर के साथ प्रोग्राम करेंगे। अब सभी प्रोग्राम को सेव करने के लिए और रिमोट को लर्निंग मोड से बाहर लाने के लिए ओके का बटन 1 बार प्रेस करेंगे। एलईडी 2 बार ब्लिंक करके बंद हो जाएगी और हमारा रिमोट प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ एक बात और है कि पहले के टीवी में तो 1-2 ही फंक्शन होते थे, एक ऑडियो वीडियो और एक टीवी। तो हमारा इसी एक बटन से काम चल जाता था ऑडियो और वीडियो का। लेकिन अब एलईडी में तो सोर्स वाले बटन से कम 5-6 ऑप्शन खुलते हैं। ऑडियो वीडियो टीवी वीजीए एचडीएमआई बहुत सारे फंक्शन खुलते हैं। तो हम वॉल्यूम की जगह 2 एरो की इनमें से किसी एक की को प्रोग्राम करेंगे और वॉल्यूम प्लस की जगह ओके की को प्रोग्राम करेंगे ताकि हम सोर्स को सिलेक्ट करके उस पे ओके कर सकें। जहाँ तक वॉल्यूम अप डाउन करने की बात है तो वो तो आप टीवी में से 50 से 60% अगर वॉल्यूम अप करके छोड़ देंगे तो वो तो सेटअप बॉक्स के वॉल्यूम से भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सेटअप बॉक्स के रिमोट में भी वॉल्यूम अप और डाउन की दी हुई होती है। तो वॉल्यूम टीवी का वॉल्यूम अप डाउन करने की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में हम क्या प्रोग्राम करेंगे, पहले लर्निंग मोड में लाएंगे रिमोट को। अब एवी के बटन को सोर्स से प्रोग्राम करेंगे। वॉल्यूम माइनस के बटन को कोई भी एरो की अप या डाउन कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ प्रोग्राम करना है।
और वॉल्यूम प्लस की जो की है उसको आप ओके के साथ प्रोग्राम कीजिए, मतलब एंटर इसके साथ प्रोग्राम कीजिए, ताकि लिस्ट में से आप कोई भी सोर्स सिलेक्ट करके उसको ओके कर सकें। आइए दोस्तों देखते हैं अब टीवी पे क्या हमारा रिमोट ठीक से प्रोग्राम हो गया है। देखिए जैसे ही मैं ऑडियो वीडियो वाली की को प्रेस करता हूँ तो इनपुट सोर्स के सारे ही ऑप्शन इसमें खुल जाते हैं। अब हमने वॉल्यूम माइनस को एरो की से प्रोग्राम किया था तो देखिए वॉल्यूम माइनस से हमारे ऑप्शन उप अप एंड डाउन हो रहे हैं, और वॉल्यूम प्लस वाली की को हमने ओके यानी एंटर से प्रोग्राम किया था तो वॉल्यूम प्लस वाली की से हम किसी भी ऑप्शन पे अगर प्रेस करते हैं तो ओके हो जाता है, और पावर वाली की से हमने पावर को प्रोग्राम किया था तो ये देखिए पावर वाली की से एलईडी बंद भी हो रही है और अब चालू भी हो रही है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लाइफ में कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।